कहते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ मन है। अगर किसी चीज़ को आप पूरे मन से चाहो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, अगर ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन आज के समय में सभी लोगों के जीवन में दुख है। हर इंसान अपने मन में कामयाबी के बारे में सोचता है, खूब पैसा कमाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पाता? भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब हो जाऊं, या मेरे पास पैसा कभी ना आए, या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने वाली बात है। इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत कहते थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की इस कहानी में जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम। कहानी छोटी है मगर बहुत गहरी है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता, उस बेचारे का हर काम खराब हो जाता था, कोई भी काम बन नहीं पाता था। और जब घर में आता तो घर में कलेश बना रहता था। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई भी इसकी मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं, कैसे इन दुखों से छुटकारा पाऊं। वो दिन रात बस यही सोचता रहता कि अपने दुख से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले रंग के घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में थक हार कर आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि इसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, इसके लिए चाहे उसे कितनी देर मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे सुलगते अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। ऐसे में एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ? उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा लोगों के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख अब दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता, और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोटके करने के लिए बता देते थे, बदले में दान दक्षिणा लेते थे। बाबा कहते थे, ये टोने टोटके करने के बाद तुम्हारे घर में सूक्ष्म शक्तियाँ बनी रहेंगी, बस इसको पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर आता और पूरी विधि के साथ उस टोटकों को करना शुरू कर देता, लेकिन बहुत टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे उपाय बताते थे, वो बदले में इससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे इसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था।
इससे इसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि बाबाओं की वजह से तो मेरा जीवन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा है। दुख कम होने की वजह दुख और भी बढ़ने लगे हैं। अब मुझे बाबा के पास जाना चाहिए या नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलवाकर पूरे विधि विधान से उच्चारण और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, और यही सोच सोच कर उस आदमी की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं होगा, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और जो दान दक्षिणा नहीं लेता वो सच में कोई सिद्ध बाबा ही होगा। यही सोचकर वो आदमी उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब आदमी बाबा के पास पहुंचता है तब बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर बैठ जाता है और बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा की आंख खुलती है तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखते हैं। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो, मेरे पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने इनको दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर उपाय करके देखा। जिस भी बाबा ने मुझे जो उपाय बताया वो सब किया, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने के लिए कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं ये कदम भी नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बेटा दुख को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान की मांग करेंगे, लेकिन और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस बात पर वो आदमी सोच विचार करके बोला मैं सुलगते अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि मैं अंगारों पर चलने वाली गलती तुमसे नहीं कराने वाला, मैं जो तुमसे करने के लिए कहने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे या नहीं? उस आदमी ने कहा बाबा आप मुझे बताइए तो सही मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और मैं सुखी हूँ।
बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के टोटके किए हैं, एक बार इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले ही नहीं रहे, और एक छोटा सा मंत्र है, इसे मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र ज़रूर करूँगा। वह आदमी इतना कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना, तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक कभी बंदर का विचार आया ही नहीं, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराता रहूँगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का विचार मेरे मन में आ ही नहीं सकता। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराते हुए थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, आज अचानक से क्यों आ गया? और ऐसा करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया, तो वो फिर से अपना ही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया, और उसे देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया, और इस बार वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे गया था। ऐसी ही जद्दोजहद करते हुए वो अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदर, मुझे खाने में बंदर दो। और जब उसे एहसास हुआ उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा, दीवार में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है, मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, यह कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवट बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कभी कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल जब से आपने मुझे यह कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केला खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्यों हो रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बेटा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुमने इन बंदरों पर ध्यान नहीं दिया था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बेटा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे से प्रवेश हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतना ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है, हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे मन में प्रवेश कैसे होगा?
यह सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा अपने दुख से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुख को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे मन पर अपना राज जमा कर बैठे रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुख के बारे में सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में घर कर लेता है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दुख से छुटकारे के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा भी करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो नशे में धुत होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे? असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई भी समस्या नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।